कोर्ट ने कहा कि अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, अब शिंदे सरकार संवैधानिक रूप से सही है। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनके पास और ज्यादा ऑप्शन रहता। मैं जानता हूं कि आप उसे एक वाक्य को उठाएंगे, मतलब आपको गिलास 9-10 में से 9 हिस्सा जो भरी हुई है वो दिखती नहीं है, जो एक हिस्सा खाली है वो दिख रही है। लेकिन किस आधार पर, किस मुंह को दिखा के ये सरकार चलने वाली है? उद्धव ठाकरे कहां नहीं गए थे? फ्लोर टेस्ट पे नहीं गए थे, ठीक है? वो फ्लोर टेस्ट किसने बोला था करना है? कल राज्यपाल ने। वो राज्यपाल के निर्णय को तो क्वाश कर दिया इस उच्चतम न्यायालय ने। ये तमाचा नहीं है राजनीतिक, कानूनी, एथिकल, कुछ भी कह लीजिए नैतिक। स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर ने कहा कि नहीं, ये फैक्शन सही है, ये सिंगल का फैक्शन सही नहीं है। क्या उसको निरस्त किया? बिल्कुल किया। क्या ये तमाचा नहीं है? किस अधिकार, ये देखिए ढीठपना होता है, बेशर्मी होती है, उनके आधार पर आप कुछ भी कर सकते हैं। और अब मैं कह रहा हूं आपके सामने कि हिम्मत है तो माननीय स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन जितनी भी याचिकाएं हैं उसमें तुरंत तुरंत यानी हफ्ते दो हफ्ते में निर्णय करें, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। किस आधार पे वो स्पीकर ये कहने वाले हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन याचिकाओं को वो नहीं अलाउ करेंगे, जब व्हिप आज निर्णित हो गया है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टी का हो सकता है? तो जिस व्यक्ति को आपने व्हिप बनाया, गोगावले नाम है उसका, उसको कॉश कर दिया कोर्ट ने, तो बचता क्या है? स्पीकर को सिर्फ उठाना है कागज और बोलना है कि मिस्टर सोएंसो आप डिस्क्वालिफाइड हो। लेकिन आप आश्वस्त रहें, बीजेपी इन मामलों में ढीठपना और बेशर्मी की चरम सीमा है। मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि इसको लंबा खींचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो करें। मैं समझता हूं इन सब चीजों का खामियाजा अंततो गत्वा आपको इसमें चुकाना पड़ता है, इसका मतलब जनता के सामने, और आपके जरिए मैं जनता की तरफ संकेत कर रहा हूं। हर चीज कानून और आदेश से नहीं होती, कुछ खुद की शर्म होती है, कुछ जनादेश की शर्म होती है, कुछ जनता की शर्म होती है, कुछ आंख की शर्म होती है। भाजपा के एंटिक्स को, उनके मजाकिया व्यवहार को एक तमाचा लगाया गया है। दोस्तों, मेरा सौभाग्य था कि मैं इन दोनों केसेस में मैंने पैरवी की थी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं कानूनी उस निर्णय में, वो पक्ष के पक्ष में है, जिन्होंने याचिका दी है उनके पक्ष में है। क्या बचा है इसके बाद? आपने उस निर्णय में यह होल्ड किया, एक नंबर, कि जो व्हिप होती है वो राजनीतिक पार्टी वाली होती है, विधायिका पार्टी वाली नहीं होती है। दो, जो व्हिप सो कॉल्ड शिंदे फैक्शन ने जारी की है वो गैर कानूनी है। मैं दोहरा रहा हूं, गैर कानूनी, सीधा प्रत्यक्ष 5 जजों की खंडपीठ ने कहा है। नंबर 3, जो माननीय स्पीकर, और आप स्पीकर की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड शिंदे फैक्शन को वैध माना है, उनको रिकॉग्नाइज किया है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। नंबर 4, राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल, इतने बड़े ओहदे के पदाधिकारी, उन्होंने जो निर्णय लिया कि आप फ्लोर टेस्ट करेंगे अमुक तारीख को, वो फ्लोर टेस्ट पूरी तरह से गैर कानूनी है, उनके पास कोई तथ्य नहीं थे ये फ्लोर टेस्ट का आदेश देने के लिए। अगर इन चारों चीजों को आप जोड़ दें तो मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि बचता क्या है? क्या ये राजनीतिक, कानूनी, नैतिक, कुछ भी कह लीजिए, एक तमाचा नहीं है? क्या जितने भी महानुभाव हैं जिनके नाम लिए गए निर्णय में, वो इस प्रकार की सस्ती राजनीति के शिकार नहीं हुए बीजेपी के कहने से? और अगर वापस श्री उद्धव ठाकरे को बरकरार नहीं किया गया, उसका महत्व बहुत कम हो जाता है।
जो मूल बात वो ये है कि इस निर्णय में लिखा है कि आपको माननीय स्पीकर जल्द से जल्द जो डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाएं पड़ी हैं, लंबित हैं, उनका निर्णय करिए। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं आपके जरिए, अगर माननीय स्पीकर विलंब न करें, सत्य का मार्ग लें, कानून और संविधान का मार्ग लें, और वो उठाते हैं इतने सारे लोगों की एक याचिका कोई भी, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा उनके पास कोई भी विकल्प है संभव? नहीं, उनको डिस्क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विप के आधार पर एक्शन लिया है जो गैर कानूनी है, और एक ऐसे विप को इग्नोर किया है जो कानूनी है। तो अगर आप विप के उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिक होता है, इसका कोई डिफेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको एक भविष्यवाणी कर सकता हूं कि जो चाल चरित्र चेहरा आपने बीजेपी सरकारों का और बीजेपी के आदेश देने वाले उच्च पदाधिकारियों का देखा है, उसके अंतर्गत आदेश बड़ा स्पष्ट होने वाला है कि जितना विलंब कर सको करो, जितना अवॉइड कर सको करो, जितना निर्णय ऐसा करो कि निर्णय न हो वो करो, यानी निर्णय न निर्णय करने वाला निर्णय ये करो, क्योंकि निर्णय सिर्फ एक तरफ हो सकता है और गलत निर्णय करेंगे आपको चुनौती होगी उसकी। ये दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो। अगर आप दिल्ली की तरफ चलें, वहां राज्यपाल थे या LG हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो याचकों ने उठाया हो, उसमें से एक भी मुद्दा उच्चतम न्यायालय ने नकारा हो याचिकाओं के विरुद्ध, सबको माना है। और इसकी एक मूल बात है जो मैं आपको बता दूं, दिल्ली की एक सृष्टि की गई सिर्फ यूनियन टेरिटरी की हैसियत से नहीं, इसकी सृष्टि की गई एक विशेष एंटिटी के आधार पर जो एक संघीय फेडरल एंटिटी है, और सिर्फ एक ही ऐसी एंटिटी है भारत में जो संविधान के अंतर्गत बनाई गई है, और यूनियन टेरिटरीज को ऐसा विशेष स्थान नहीं दिया गया संविधान के अंतर्गत। इसका दूसरा कारण क्या था? इसका दूसरा कारण था कि अनुच्छेद 239 और इत्यादि इत्यादि जो हैं AA एक्सेट्रा, उनके अंतर्गत आपको सबसे ज्यादा स्वायत्त मिले, ऑटोनॉमी मिले, स्वायत्तता मिले। नंबर तीन, इसका उद्देश्य था कि आप लोकतांत्रिक गणतांत्रिक चुनाव के आधार पर जो भी अपना मत रखना चाहते हैं उसको रखें। ये तीनों चीजों को इस गैरकानूनी असंवैधानिक व्यवहार द्वारा बीजेपी की केंद्र सरकार ने नगण्य बनाने का प्रयत्न बार 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 किया है। मूल मुद्दा यह है दोस्तों, आज AAP की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हो सकती है, परसों बीजेपी की सरकार भी हो सकती है जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार न हो। किसी की सरकार हो वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली के ढांचे में वो स्वायत्तता मिलेगी जो हमारे संविधान निर्माताओं, इस प्रावधान के निर्माताओं का संपूर्ण और एकाकी उद्देश्य था। उद्देश्य तो बना दिया, लेकिन उसको हमने कार्यान्वित करने में पूरी तरह से नगण्य कर दिया। दिन प्रतिदिन वहां पर राज्यपाल तो यहां पर LG ने हस्तक्षेप करके, असंवैधानिक हस्तक्षेप करके इस पूरे सिद्धांत को नगण्य किया है। उसको आज संतुलित रूप से हर पक्ष में, NCT को जो विरोध कर रहे थे, LG का पक्ष, केंद्र सरकार के पक्ष को इस निर्णय ने निरस्त किया है। और ये दिल्ली की जीत है, दिल्ली के नागरिकों की जीत है, स्वायत्तता की जीत है, लोकतंत्र और गणतांत्रिक जो सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत आप एक विशेष सांविधानिक यूनियन टेरिटरी का नियंत्रण करते हैं, उसकी जीत है। और दोनों केसेस में एक बहुत बड़ा कानूनी, नैतिक, राजनीतिक, मौलिक तमाचा है बीजेपी में। धन्यवाद। कोर्ट ने कहा कि अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, अब शिंदे सरकार संवैधानिक रूप से सही है। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनके पास और ज्यादा ऑप्शन रहता।
मैं जानता हूं कि आप उसे एक वाक्य को उठाएंगे, मतलब आपको गिलास 9-10 में से 9 हिस्सा जो भरी हुई है वो दिखती नहीं है, जो एक हिस्सा खाली है वो दिख रही है। लेकिन किस आधार पर, किस मुंह को दिखा के ये सरकार चलने वाली है? उद्धव ठाकरे कहां नहीं गए थे? फ्लोर टेस्ट पे नहीं गए थे, ठीक है? वो फ्लोर टेस्ट किसने बोला था करना है? कल राज्यपाल ने। वो राज्यपाल के निर्णय को तो क्वाश कर दिया इस उच्चतम न्यायालय ने। ये तमाचा नहीं है राजनीतिक, कानूनी, एथिकल, कुछ भी कह लीजिए नैतिक। स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर ने कहा कि नहीं, ये फैक्शन सही है, ये सिंघवी का फैक्शन सही नहीं है। क्या उसको निरस्त किया? बिल्कुल किया। क्या ये तमाचा नहीं है? किस अधिकार, ये देखिए ढीठपना होता है, बेशर्मी होती है, उनके आधार पर आप कुछ भी कर सकते हैं। और अब मैं कह रहा हूं आपके सामने कि हिम्मत है तो माननीय स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन जितनी भी याचिकाएं उसमें तुरंत तुरंत यानी हफ्ते दो हफ्ते में निर्णय करें। दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। किस आधार पे वो स्पीकर ये कहने वाले हैं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन याचिकाओं को वो नहीं अलाउ करेंगे? जब व्हिप आज निर्णित हो गया है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टी का हो सकता है, तो जिस व्यक्ति को आपने व्हिप बनाया, गोगावले नाम है उसका, उसको कॉश कर दिया कोर्ट ने, तो बचता क्या है? स्पीकर को सिर्फ उठाना है कागज और बोलना है कि मिस्टर सोएंसो आप डिस्क्वालिफाइड हो। लेकिन आप आश्वस्त रहें, बीजेपी इन मामलों में ढीठपना और बेशर्मी की चरम सीमा है। मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि इसको लंबा खींचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो करें। मैं समझता हूं इन सब चीजों का खामियाजा अंततोगत्वा आपको इसमें चुकाना पड़ता है, इसका मतलब जनता के सामने, और आपके जरिए मैं जनता की तरफ संकेत कर रहा हूं। हर चीज कानून और आदेश से नहीं होती, कुछ खुद की शर्म होती है, कुछ जनादेश की शर्म होती है, कुछ जनता की शर्म होती है, कुछ आंख की शर्म होती है। स्पीकर शुड डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस विद इन अ रीजनेबल टाइम, राइट? So what is this reasonable time? Would you spell this out? Reasonable people know what a reasonable time is reasonable. Unreasonable people find that no time is reasonable, especially when their governments are about to fall. People will decide this. These are petitions pending for 1 year. You tell me how long you as a non-lawyer, layman, uneducated in law will take to pick up a petition and decide it. Speaker ka to ye kaam hi hai. आप ये मान ले आप बाहरी आदमी हैं, लेमैन हैं, नहीं जानते इसका, कितना टाइम लगता है इसमें? लेकिन आप उसके कारण से नहीं करेंगे, आप रीजनेबल टाइम की नई परिभाषा निकालेंगे, क्योंकि रीजनेबल टाइम पे आपकी सरकार आधारित है, अनरीजनेबल टाइम पे। और मैं समझता हूं हर चीज कोर्ट नहीं कहती है, ये हम तुरंत चुनौती देंगे जैसे ही समय रीजनेबल से अनरीजनेबल होता है, या निर्णय सही से गलत होता है, या संविधान के और जितने भी आत्माएं हैं और सिद्धांत हैं और कन्वेंशन है उनका उल्लंघन होता है। तो सब जानते हैं कि ऐसे खेल खिलवाड़ के ऊपर भी उच्चतम न्यायालय बैठा है। सर द स्पीकर हैज रिस्पोंडेड टू व्हाट एवर द सुप्रीम कोर्ट हैड टू से, सेइंग दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली पॉइंटेड आउट टू सम प्रोसीजरल इश्यूज एंड द इम्पोर्टेंट अंडरलाइनिंग फैक्ट इज दैट द पोलिटिकल अथॉरिटी रिमेन्स विद CM Shinde and the government is intact. So one can... Nobody is disputing the second part of your sentence. But if the first part of your sentence is correct, and I respect the office, not the occupant, the first part of your sentence can't be correct. Otherwise what you are saying is that the speaker is an uneducated, illiterate person, which I never like to say. How can anybody, much less a speaker, say that only a procedural irregularity is pointed out by the Supreme Court? That's what you said just now. I'm not saying it. I don't know it. If you are quoting him, then it's a very serious thing. If, I repeat the word if. I want to appeal to your common sense. If I, the Supreme Court, hold that the governor's decision is quashed,